guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Nykaa's Pink Friday sale is live. जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है नायका की, वो शुरू हो चुकी है. जो आप ये वीडियो देख रहे हो, सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. सबसे पहले सेल स्टार्ट हुई है प्राइम मेंबर्स के लिए, तो आपको अर्ली डील्स भी देखने को मिल जाएंगे. आज की वीडियो इज कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड. मैं अपने फेवरेट स्किन केयर से लेकर मेकअप के आपको प्रोडक्ट सजेशन देने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज बहुत डिमांड आती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. लोग कहते हैं, लड़कियां कहती हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ कि हमें स्किन केयर में फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, देन मेकअप में क्या क्या यूज करना चाहिए. सो जो भी चीजें अच्छी अच्छी डील्स पे हैं, मैं आज रिकमेंड करने वाली हूँ. ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर माई पर्सनल फेवरेट, सो आप मेरे पर्सनल फेवरेट वीडियो भी इसको बोल सकते हो. सो या सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेकआउट कर लेना. और जो भी डील होगी ब्रांड वाइज, मैं आप पे कहीं फ्लैश कर दूंगी स्क्रीन पे, सो आप देख भी सकते हो क्या डील चल रही है, क्या फ्री में मिल रहा है उसके साथ. बिकॉज इस सेल में आपको खाली डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको फ्रीबीज भी बहुत सारे मिलते हैं. सो मैं सारी जो भी डील्स होंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन, विच इज फेस वॉश. तो मेरा फेवरेट जो एक्ने वाला क्लेंजर है, जो काफी अच्छे डिस्काउंट पे आपको अभी नायका के सेल पे मिल जाएगा. यूजली इस पे कभी डिस्काउंट इतना आता नहीं है, विच इज द काया एक्ने प्योरिफाइंग क्लेंजर. काया पे भी काफी अच्छी डील्स चल रही है, सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. और ये पर्टिकुलर जो फेस वॉश है ना, ये मेरा फेवरेट है. मेरा जस्ट अभी खत्म हुआ है, मैं पर्सनली इसको खुद स्टॉकअप करने वाली हूँ. अच्छा फेस वॉश है फॉर एक्ने प्रोन स्किन. बट इसके अलावा अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, आपकी थोड़ी बहुत ऑयली स्किन है, वैसे ड्राई स्किन के लिए बनाया है, और विंटर आते आते मेरी खुद की भी स्किन थोड़ी सी सूखी सूखी हो जाती है, तो मैं एक्सट्रीमली हार्श वाले फेस वॉश नहीं यूज करती. दिस इज फॉर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन. ये क्रीम बेस्ड फेस वॉश है जो फोमी टेक्सचर बन जाता है, मेकअप को रिमूव करता है, ऑयल को रिमूव करता है. सो जस्ट इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी माइल्ड येट इफेक्टिव फेस वॉश, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा. स्टेप नंबर टू इज सीरम. मेरे पास चार रिकमेंडेशन है, चारों अलग अलग ब्रांड के हैं, जो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो. सबसे पहले अगर आप सिर्फ हाइड्रेशन चाहते हो स्किन पे, लाइक अभी विंटर्स हैं, मैं खुद पर्सनली ज़्यादा हार्श केमिकल वाले सीरम्स नहीं यूज़ करती, एक्सफोलिएटर्स या जो कहीं ना कहीं स्किन पे डार्क स्पॉट्स एंड ऑल को हटाते हैं, जो बेसिकली थोड़े से हार्श होते हैं, वो मैं नहीं इतना यूज़ करती. बिकॉज विंटर में जो मेन कंसर्न होती है वो होती है ड्राइनेस, सो उसके लिए मैं खुद पर्सनली प्रेफर करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड वाले सीरम. सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम, वो है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. ये तो पता नहीं मैं कितनी बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, जब से लॉन्च हुआ है. मैं हमेशा इसको रिस्टॉक करती रहती हूँ. ये बहुत अच्छा टाइम है इसको लेने का, बिकॉज नायका की सेल पे आपको ये बहुत अच्छी डील पे मिलेगा. सो ये आप ले सकते हो. इसको जस्ट डैम स्किन पे लगाना, हल्की हल्की स्किन गीली होनी चाहिए तब इसको अप्लाई करना. मैं इसको मेकअप करने से पहले भी लगाती हूँ, जिस दिन भी मैं हैवी मेकअप करती हूँ, पार्टी का, फंक्शन का, मैं तब भी लगाती हूँ, सो दैट स्किन को एक प्लम्पीनेस दे, मेरा जो भी मेकअप है वो क्रैक ना हो, ज़्यादा ऐसे ड्राई ड्राई फील ना हो. लेकिन अगर आप लॉरियल ही लेना चाहते हैं, मेरे पास दूसरी ब्रांड का सजेशन है, विच इज़ लाइक ए सीरियस स्किन केयर ब्रांड जो काफ़ी लोगों की फेवरेट है, विच इज़ मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट का भी हाइलुरोनिक सीरम आता है, लेकिन इसके अंदर खाली हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, इसके अंदर PGA 2% भी है. सो दिस इज हाउ द सीरम लुक्स लाइक. ये भी काफ़ी अच्छा एक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम ही है. टेक्स्चर इसका भी बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा गूई है. इट फील्स लाइक अ स्नेल म्यूसिन, लेकिन ये स्नेल म्यूसिन नहीं है, एंड दिस इज थिकर. सो अगर आपकी और ड्राई स्किन है, आपको नरिशमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग वाली चाहिए, आप चाहते हो स्किन में आपकी हाइड्रेशन आए, आपका मेकअप बहुत ब्यूटीफुली ग्लाइड हो, तो आप ये ले सकते हो. बिकॉज लॉरियल वाला थोड़ा सा लाइट है, ये मैं ऑयली स्किन को रिकमेंड करूंगी, और ये बिल्कुल ड्राई स्किन को रिकमेंड करूंगी. बट ये दो सीरम्स आई थिंक विंटर्स में होने चाहिए, बिकॉज ड्राइनेस सबका सबसे बड़ा कंसर्न होता है. विटामिन सी में जो मेरे फेवरेट है, सबसे पहले है प्लम का. प्लम पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं अभी नायका की सेल पे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको काफी सारे फ्रीबीज भी मिलने वाले हैं, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. ये प्लम का विटामिन सी सीरम जो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है. इसका तो मैंने जब लॉन्च हुआ था डेडिकेटेड रिव्यू प्रॉपर यूट्यूब पे किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो कि जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब कशिका प्लम विटामिन सी, आपको वीडियो दिख जाएगी. मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है. बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था, आज भी लोग सर्च करते हैं, वो रिव्यू को देखते हैं. काफ़ी अच्छा सीरम है. मुझे पर्सनली जो सबसे बेस्ट विटामिन सी सीरम सूट हुआ था वो ये प्लम का विटामिन सी ही है. द थिंग इज, इसको एक्सट्रीमली एक्ने कंडीशन में मत यूज़ करना. जब भी आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो, रेडनेस हो, उस टाइम पे विटामिन सी नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये रेडनेस को थोड़ा सा ट्रिगर कर देगा. बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, थोड़े बहुत आपको डार्क स्पॉट के इशू हैं, या फिर आप चाहते हैं एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट आए आपकी स्किन पे, तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा ग्लो देता है आपकी स्किन को. अनदर विटामिन सी रिकमेंडेशन, अगर आपने प्लम यूज़ किया हुआ है, आपको सूट नहीं किया, फिर आप प्लम नहीं यूज़ करना चाहते, मैं आपको एक और रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ. बहुत अच्छा सीरम है, और इस पर भी काफ़ी अच्छी डील अभी चल रही है. ये केमिस्ट एट प्ले का 10% विटामिन सी प्लस 2% ग्लूकोज 7 प्लस सेरामाइड सीरम, ये कुछ इस तरह से दिखता है. काफ़ी फंकी पैकेजिंग आती है केमिस्ट एट प्ले के प्रोडक्ट्स की, बट ये भी बहुत अच्छा है. दिस इज लिटरली लाइक वाटर
रहा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी जैसा है। ये ऑयली स्किन के लिए भी काफी अच्छा है बिकॉज सिंक इन हो जाता है स्किन में, एंड दिस इज वन ऑफ द रेयर वाइटामिन सी सीरम जिसके अंदर सेरामाइड्स भी हैं, तो ये आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देता है, वाइटामिन सी के बेनिफिट भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी स्किन ड्राई नहीं हो रही। तो अगर आप समर के वेदर में रहते हो जहाँ पे गर्मी गर्मी ज्यादा है, आप प्लम का ले सकते हो, लेकिन अगर आप विंटर वेदर के हिसाब से एक वाइटामिन सी सीरम देख रहे हो तो आप ये सेरामाइड वाला ले सकते हो। कमिंग टू मॉइस्चराइजर्स, मैं बिल्कुल भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाली, मैं आपको स्ट्रेट टॉप 4 मॉइस्चराइजर्स बताने वाली हूँ जो मैं खुद काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और स्किन कंसर्न के हिसाब से मैं चेंज करती रहती हूँ। सबसे पहला मॉइस्चराइजर है एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए। अगर आप एक ऐसे वेदर में रहते हो जहाँ पे ऑयलीनेस आपकी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो सबसे बेस्ट जो मॉइस्चराइजर है वो है ये सिंपल का मॉइस्चराइजर। सिंपल पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है अभी नायका की सेल पे, ये इनफैक्ट आपको सुपर अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा सेल के बाद। इसका प्राइस ही 299 है, लेकिन इस पर आपको डेफिनेटली 30-40% ऑफ मिल जाएगा। इसका नाम है सिंपल अल्ट्रा लाइट लिक्विड मॉइस्चराइजर। ये 24 आवर की हाइड्रेशन देता है और मैट लुक देता है। ये मैंने स्पेसिफिकली अभी समर्स में बहुत यूज किया है। मैं जिम जाने से पहले यही मॉइस्चराइजर लगाती थी बिकॉज से स्किन ग्रीसी फील नहीं होती, हैवी फील नहीं होती, लेकिन स्किन को एक नरिशमेंट मिल जाती है। दिस इज लिटरली लाइक लिक्विड, बिल्कुल पतला पानी जैसा ये मॉइस्चराइजर है। सो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, आप एक लिक्विड बेस्ड मॉइस्चराइजर देख रहे हो, तो आप ये ले सकते हो। समर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर था, बट अब तो थोड़ी विंटर आ गई है, स्किन हल्की हल्की ड्राई फील होनी शुरू हो गई है। प्लस मैंने बीच में थोड़े से एक्ने ट्रीटमेंट वाले जेल लगाए थे जिससे और मेरी स्किन सूख गई, तो मैंने फिर यूज करना शुरू किया ये मॉइस्चराइजर फ्रॉम सेरावी। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। जब मैंने पढ़ा ना इसमें लिखा है ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, लिटरली आई वाज लाइक ये बहुत ग्रीसी होगा, ये मेरी स्किन को बड़ा ऑयली कर देगा। बट देन उस टाइम मेरी स्किन कंडीशन ऐसी थी, बहुत क्रैक्स आ रहे थे स्किन पे, पीलिंग हो रही थी, तो मैंने इसको यूज किया एंड सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रेयर ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर जो नरिशमेंट दे रही है लेकिन स्किन को ग्रीसी नहीं फील करा रही। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन सी मैंने निचोड़ दिया। ये खुद मैं पर्सनली अभी सेल पे लेने वाली हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर सेरावी पे डिस्काउंट है नहीं है। मेरा इस वीडियो का मोटिव खाली नायका प्रमोशन करना नहीं है, नायका सेल पे ले लो। आई जस्ट वांट टू टेल यू स्ट्रेट अप मैं आजकल क्या यूज कर रही हूँ, मेरे कौन से फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं तब से इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ, डे टाइम में नरिशमेंट भी देता है, स्किन को ग्रीसी फील नहीं कराता। सो अपकमिंग वेदर के लिए अगर ऑयली स्किन वाला भी, ड्राई स्किन या फिर कोई भी स्किन टाइप वाला एक अच्छा मॉइस्चराइजर देख रहा है विच हैज लाइक वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को ट्रिगर नहीं करेगा, रेड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आप ये सेरावी का ले सकते हो। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर अगेन जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, बट ये मेरा नाइट टाइम ट्रीटमेंट वाला मॉइस्चराइजर है जो डर्मैट ने ही मुझे सजेस्ट किया हुआ है। ये मैंने खुद अभी रिसेंटली नायका से रीस्टॉक किया बिकॉज खत्म हो गया था और फिर मेरा मन नहीं था कि मैं एक महीने बाद की सेल की वेट करूँ। ये मैंने एक महीने पहले ही लिया है लेकिन मैंने खोला अब है। सो ये सेवामेट का केयर जेल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन ओनली। सो मेरे डर्मैट ने बताया हुआ जब भी मुझे कोई एक्ने वाला जेल लगाना है ना, मुझे इसमें मिक्स करके लगाना है, उसको डायरेक्टली नहीं लगाना स्किन पे। या तो आप लेयरिंग कर सकते हो, लाइक पहले ये लगाया उसके ऊपर आप फिर वो जेल लगा सकते हो, लेकिन मेरे डर्मैट ने बोला आप मिक्स करके लगाओ। थोड़ा सा ये लिया और वो एक पी साइज अमाउंट मुझे अपना अडेप्लिन का या फिर जो भी मैं एजीडर्म जेल लगाती हूँ एक्ने वाले वो लेती हूँ, मिक्स करती हूँ और फिर रात को लगाती हूँ जस्ट फॉर माई एक्ने एंड मार्क्स। बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। ये भी एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, प्रॉपर जेल, लाइक यू कैन सी बिल्कुल लिक्विड पानी जैसा मॉइस्चराइजर है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, एलोवेरा है। ये स्किन को सूद बहुत अच्छे से करता है। आपको जिस दिन भी लग रहा है ना आपकी स्किन रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, इचीनेस है, काफ़ी बार होता है स्किन पे कोई रिएक्शन हो जाता है, रेड रेड फील होती है, तो उस केस में आप अगर ये मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे ना, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सूद करेगा, नरिश करेगा। इट इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर। एंड माई नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज़ माई मेकअप वाला मॉइस्चराइजर। मैं जिस दिन भी कोई पार्टी मेकअप करती हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, मुझे अच्छा मेकअप बेस चाहिए, तो मैं यूज़ करती हूँ ये मॉइस्चराइजर। और अब मेरे पति को भी इतना पसंद है, वो खुद अब इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने लग गया है। और मैं हमेशा कहती हूँ यार मेरा महंगा मॉइस्चराइजर है, मैं खाली स्पेशल ओकेजन के लिए रखती हूँ, बट देन इज लाइक मुझे अच्छा लगता है, सो वो डेली बेसिस पे इसको यूज करने लग गया है। ये मैं हमेशा सेल पे ही रीस्टॉक करती हूँ बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव। आई थिंक 2000 समथिंग का आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यह एम्ब्रोलिस का लेट क्रीम मल्टी फंक्शन कंसनट्रेट, ये एक फ्रेंच ब्रांड है बेसिकली, और ये मेकअप आर्टिस्ट का भी फेवरेट है। मैक्सिम मेकअप आर्टिस्ट जब भी किसी ब्राइड का मेकअप करती है वो एम्ब्रोलिस ही यूज़ करती है। ये फेमस इसलिए हुआ था बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट ने इसको यूज़ करना इंडिया में शुरू किया था और अभी फाइनली नायका पे भी मिलना शुरू हो गया है। इट इज़ लाइक अ वाइट मॉइस्चराइजर। थोड़ा सा आपको स्वच करके दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज फिर खराब हो जाएगा यार। जस्ट दिस अमाउंट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर। आपने मेरी रिसेंट या फिर इस साल के जितने भी आपने मेरी मेकअप रील्स देखी होंगी ना, आई एम श्योर आपने मॉइस्चराइजर देखा ही होगा। इसमें गेंदे की फूल जैसी खुशबू आती है, विच आई डोंट नो वाई ऐसी खुशबू क्यों है, बट दिस इज वेरी नाइस। स्किन को नरिश करता है, थोड़ा सा स्किन को प्राइम अप कर देता है, और इसके ऊपर जब आप मेकअप करोगे ना वो इतना सुंदर टर्न आउट होता है। सो अगर आप ब्राइड हो या फिर ब्राइड्स मेड हो, जो भी हो, अगर आप अभी वेडिंग के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो, आपको मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं कराना, आपको खुद मेकअप करना है घर पे, तो ये मॉइस्चराइजर तो ले ही लो। आपके जितने ही पार्टी मेकअप होंगे ना वो बहुत ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल निकल के आएंगे. नेक्स्ट अब आर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन तो मैं खुद इतनी यूज करती हूँ कि मैं कंफ्यूज थी मैं कौन सी पिक करूँ, तो मैं आपको फटाफट सारी ही दिखा देती हूँ. सबसे पहले मैं दिखाती हूँ सबसे ज्यादा यूज होने वाली सनस्क्रीन जो मैं स्पेसिफिकली डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, और अब तो ये खत्म भी होने वाली है. मैं खुद इसको इस पर्टिकुलर शेड को रिस्टॉक करूंगी बिकॉज ये टिंटेड सनस्क्रीन है और मेरे पर्टिकुलर शेड पे बहुत ब्यूटीफुली सूट करती है. दिस इज डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन. ये डेली वेयर के लिए है. SPF 50 विद PA हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स प्लस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और आप यहाँ से हालत से पहचान सकते हो मैं इसको कितना यूज करती हूँ. द शेड दैट सूट्स मी इज सैंड. अब इन्होंने दो शेड और निकाले हैं, पहले इन्होंने 3 शेड निकाले थे, अब इन्होंने और डार्कर स्किन के लिए 2 शेड और निकाले हैं, कैरमल और एक और कोई शेड है. मैं आप इमेज इंसर्ट कर दूंगी, मैंने एक इमेज ली हुई है जिसमें मैंने सारे शेड ऐसे डाल के दिखाए हैं. बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और अभी डॉट इन की पे अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं नायका पे. वैसे तो मेरा इनकी वेबसाइट पे कूपन कोड है कशिका 15. अगर आप स्पेसिफिकली इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट लेना चाहते हो वहाँ आपको बेटर डील मिल रही है, बाय वन गेट वन चलता रहता है डॉट इन की पे, वहाँ से भी आप ले सकते हो. लेकिन अगर आप नायका से स्पेसिफिकली लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये लेना, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है. मैं खुद इसको पर्सनली जब भी कहीं जाती हूँ डे टाइम में मैं यूज़ करती हूँ. फाउंडेशन का सॉर्ट ऑफ एक काम करती है, इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा लोगे यू आर गुड टू गो. कवरेज इतनी हाई नहीं है बट एक टिंट की वजह से स्किन थोड़ी सी इवन टोन लगती है विच इज जस्ट ब्यूटीफुल. इसके अलावा 2 सनस्क्रीन और आप ले सकते हो डॉट इन की से. अगर आप कहीं बीच वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, तो ये जरूर लेना. यह डॉट इन की स्विम एंड स्पोर्ट सनस्क्रीन विद हाई यूवी प्रोटेक्शन, SPF 50 एंड PA++. ये स्वेट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है अप टू 120 मिनट्स. तो 120 मिनट आप पानी में रह सकते हो उसको लगा के, आपको टैनिंग नहीं होगी, सनबर्न नहीं होगा. सो स्पेसिफिकली दिस इज फॉर वाटर स्पोर्ट्स. अगर आप कहीं बीची वेदर में जा रहे हो तो ये सनस्क्रीन प्लीज लेके जाना. नेक्स्ट सनस्क्रीन इज फ्रॉम द विटामिन सी रेंज. ये उन्हीं को सूट करेगी जिनको विटामिन सी सूट करता है. सो अगर आपको विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट सूट करते हैं आप इनकी विटामिन सी रेंज ट्राई कर सकते हो. इट इज ब्यूटीफुल. ये भी SPF 50 है विद PA 4 टाइम्स प्लस. ये मैंने एक या दो बार यूज करे उससे ज्यादा नहीं, बट ये बाकी दो जो मैंने आपको बताई है वो काफी अच्छी है. माई नेक्स्ट फेवरेट सनस्क्रीन जो मैं डेली बेसिस पे लगाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऑक्सीबेंजोन नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम पैराबिन, थैलेट, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, नॉन कॉमेडोजेनिक, इसके अंदर कोई भी OMC नहीं है. सो बाकी जितनी सनस्क्रीन है ना डॉट इन की सनस्क्रीन में भी OMC आता है, ऑक्सीबेंजोन, जो सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि थोड़ा सा हार्मोनल इंबैलेंस को ट्रिगर करता है. अगर आपको PCOD है या फिर आप थोड़ा सा सेफ कंप्लीटली सेफ सनस्क्रीन यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये क्योर्स की ले सकते हो. मैं डेली बेसिस पे यही यूज करती हूँ घर पर. ये भी टिंटेड है, ये मेरी फेवरेट है, तो मैं कितनी बार प्रमोट कर चुकी हूँ. यू कैन सी द टिंट, बहुत प्यारा इसका टिंट है. ये आपको अभी नायका पे मिल जाएगी 10-20% ऑफ पे. आई थिंक इस ज़्यादा इस पर डिस्काउंट नहीं आता. मेरा क्योर्स की वेबसाइट पे भी डिस्काउंट है बाय द वे. बट ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, नरिशमेंट भी हल्की फुल्की देती है, मैट है, बिल्कुल भी स्किन आपकी ग्रीसी फील नहीं होगी. अगर आप एक अच्छी मैट सेफ सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना, गिव इट अ ट्राई, यू विल लव इट. ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है एंड हल्का फुल्का टिंट है ना, तो व्हाइट कास्ट नहीं आता, विच आई पर्सनली लव. वी आर डन विद द बेसिक स्किन केयर रूटीन. लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक एक्सफोलिएटर भी सजेस्ट करना चाहती हूँ बिकॉज मैं खुद पर्सनली फिजिकल स्क्रब्स नहीं यूज़ करती, एक्ने प्रोन स्किन. तो स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, डेड स्किन हटाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आजकल ये ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर, जो कुछ इस तरह से दिखता है. ये मैंने नायका से ही परचेज किया था, ऐसे नोजल खुलती है एंड देन यू कैन यूज इट. ये तो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, आप अंडर आर्म्स पे यूज कर सकते हो. बैक एक्ने अगर आपको है, बैक पे एक्ने मार्क्स हैं, स्कैल्प में बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही है, आप इसको स्कैल्प पे हल्का हल्का लगा सकते हो. ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो भी डार्कनेस है, जो भी डेड स्किन है उसको हटाता है. सो ये तो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है. ऑर्डिनरी पे आई एम नॉट रियली श्योर अच्छा डिस्काउंट है या नहीं है बिकॉज मेरे पास जो नायका की शीट आई है पूरे डिस्काउंट की, उसमें ऑर्डिनरी पे कोई डील लिखी नहीं है. बट जितना भी डिस्काउंट हो 10-5% आप जरूर लेना बिकॉज दिस इज वर्थ एवरी पेनी. स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. अभी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट अपने फेवरेट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिन पे डील भी अच्छी है, जो डेफिनेटली आप ले सकते हो. एंड दीज आर माई पर्सनल चॉइस वेन एवर आई डू मेकअप. स्टेप नंबर 1 इज अ गुड प्राइमर. मेरे 2 फेवरेट प्राइमर हैं. सबसे पहले है लैक्मे का ये ब्लर परफेक्ट प्राइमर, जो काफी अच्छा है, स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है, थोड़ा बहुत नरिश भी करता है. जो अभी वेदर आ रहा है विंटर का, मैं ये प्राइमर ज़्यादा यूज़ करूँगी बिकॉज ये ड्राई इतना नहीं करता, थोड़ी सी नरिशमेंट भी देता है और इसके अंदर जो सिलिकॉन इसकी फील है वो काफ़ी अच्छे से मेरे पोर्स को भी फिल इन कर देती है. नेक्स्ट प्राइमर जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, जो समर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, वो है नायका का प्रेप मी अप. नायका की अपनी ब्रांड पर बहुत अच्छी डील आने वाली है, 30-40% ऑफ में आपको ये प्राइमर मिलेगा. सो रीस्टॉक कर लेना बिकॉज ये सेल बार बार ऐसे नहीं आती. सो अभी के टाइम के लिए आप डेफिनेटली ये प्राइमर रीस्टॉक कर सकते हो.
मैं खुद ये लेने वाली हूँ बिकॉज ये मैंने पूरा निचोड़ दिया है, जितना बचा था मैंने अच्छे से उसको निकाल दिया है। दिस इज अ वेरी नाइस प्राइमर। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो ना तो इसका मिनी ले सकते हो, बट वो मिनी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, सो मैं इसे रिकमेंड करती हूँ सीधा फुल साइज ले लो। बट स्टिल अगर आपका नहीं मन फुल साइज लेने का, आप बहुत रेयरली मेकअप करते हो, तो आप डेफिनेटली इसका मिनी वाला ले सकते हो, वो आपका इनफ चल जाएगा अगर आप वंस इन अ ब्लू मून मेकअप करते हो। जब भी पार्टी मेकअप की बात आती है ना, हमें एक अच्छा एल्यूमिनेटर भी चाहिए होता है जो स्किन को एकदम ग्लॉसी बनाता है। तो दो रिकमेंडेशन है मेरे पास। सबसे पहले है मैक का। मैक पे बहुत अच्छी डील चल रही है अभी नायका के सेल पे, सो आप डेफिनेटली दो तीन सामान जो भी मैक से लेना चाहते हो क्लब करके ले सकते हो। आपको फ्रीबीज भी मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा। मैक की दो लिपस्टिक्स भी आपको काफी बार फ्रीबीज में मिल जाती है। सो ये है मैक का स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग एल्यूमिनेटिंग सिल्की प्राइमर। सो ये मॉइस्चराइजर भी है, एल्यूमिनेटर भी है, और सॉर्ट ऑफ एक प्राइमर का काम भी करता है। नाउ ये प्राइमर खुद को बोलता है, लेकिन ये प्रॉपर वो सिलिकॉन वाला प्राइमर नहीं है, तो ये पोर्स को फिल इन नहीं करेगा। सो व्हाट आई डू, आई यूज माय रेगुलर प्राइमर एंड उसके बाद एज अ एल्यूमिनेटर, एज अ मॉइस्चराइजर मैं ये यूज कर लेती हूँ, या फिर जिस दिन मैं जल्दी जल्दी वाला मेकअप करती हूँ मैं उस दिन ये यूज करके सीधा फाउंडेशन लगा लेती हूँ। टेक्स्चर है एंड इट फील्स सो नाइस ऑन स्किन। अगर आपका स्किन क्रैक होती है ना, आप कह रहे हो कि मैं जब भी मेकअप करती हूँ मेरा मेकअप क्रैक हो जाता है, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, फटता है बेसिकली, थोड़े से पैसे बचाओ और इसमें इन्वेस्ट करो, योर स्किन विल थैंक यू। इसको लगाती है आपकी स्किन, ऐसे ग्लॉसीनेस आती है ना आपकी स्किन पे, मेकअप ब्यूटीफुली ग्लाइड होता है। देयर इज अ रीजन व्हाई जब भी मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करती है ना, वो सुंदर निकल के आता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे और अच्छे यूज करती हैं। तो ये जो एम्ब्रोलिस की मैंने आपको क्रीम बताई, ये हो गई, ये मैक का स्टूडियो रेडियंस प्राइमर, ये सारे प्रोडक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट खुद यूज करती है, तब भी एक रिजल्ट बहुत अच्छा आता है स्किन पे। सो अगर आप बार बार मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप नहीं कराना चाहते, आई वुड से इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर लो, आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। ब्राइड्स के लिए तो स्पेसिफिकली मैं ये बोलूंगी जरूर होना चाहिए, आपकी ब्राइडल वैनिटी में होना ही चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस एल्यूमिनेटर। लेकिन इसका एक सस्ता ड्यूप मैं आपको बता देती हूँ। ऑफकोर्स ऐसी ऑडियंस है जो इतना एक्सपेंसिव में नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, थोड़ा सा बजट में लेना है, तो ये सबसे बढ़िया ड्यूप है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है नायका पे, आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, अगेन ये भी खुद को प्राइमर बोलता है लेकिन वो वाला प्राइमर नहीं है, पोर्स को फिल इन नहीं करेगा, खाली एक एल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देगा। इसमें शेड्स आते हैं, आई मीन द शेड 01 नेचुरल टिंट, और ये तो मैं अपने फाउंडेशन में मिक्स करती हूँ। आपने अगर मेरी रिसेंट करवा चौथ मेकअप वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है कि मैं पार्टी बेस कैसे क्रिएट करती हूँ अपनी एक्ने प्रोन स्कारिंग वाली स्किन पे। सो मैं इसको मिक्स करती हूँ अपने फाउंडेशन में, मेरे जितने भी थोड़े से डार्क फाउंडेशन है, एक तो उनकी टोन ठीक हो जाती है बिकॉज ये व्हाइट कलर का है, प्लस बहुत अच्छा एल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आता है इसमें, तो और थोड़े से एकदम स्टार्क वाले शिमर है जो बिल्कुल आपकी स्किन पे ऐसे शाइनी शाइनी ग्लॉसी बना देते हैं। लाइक लुक एट दिस, जब लाइट पड़ती है ना तो आपकी स्किन काफी शाइनी और ग्लॉसी फील होती है। तो ये मिक्स करने के लिए काफी अच्छा है, डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो या फिर अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो, एक सॉर्ट ऑफ आपका एक एल्यूमिनेटर बन जाता है जो बहुत सुंदर लगता है। आप इसको बॉडी पे लगा सकते हो, अगर बैक पे हैंड्स पे लगाना है पार्टी में, बहुत अच्छी आपकी स्किन ग्लॉस करती है। सो दिस इज रियली नाइस। स्टेप नंबर टू ऑफ मेकअप इज कलर करेक्शन। कलर करेक्शन का जो स्टेप है ना, मैं हमेशा कहती हूँ अफोर्डेबल मत लो, बिकॉज अगर आप बहुत सस्ता कलर करेक्टर ले लोगे ना, ट्रस्ट मी वो कलर करेक्ट नहीं करेगा, एक एडेड लेयर बन जाएगी आपकी स्किन पे, फिर आपको लगेगा आपकी स्किन फटी फटी हो रही है, मजा नहीं आ रहा। सो थोड़े से पैसे बचा के कलर करेक्टर के स्टेप में हमेशा अच्छा कलर करेक्टर लो। सबसे पहला जो मेरा आज का फेवरेट चल रहा है वो है ये टू फेस का बॉर्न दिस वे कंसीलर। दिस इज अ कंसीलर, मल्टी यूज कल्टिंग कंसीलर, जो सॉर्ट ऑफ एक कवरेज भी देता है, फुल कवरेज फाउंडेशन की, लेकिन कंसीलर भी है। सो ये आप जो भी शेड में लोगे उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। लाइट ले रहे हो हाईलाइटिंग कंसीलर बन जाएगा, अपनी शेड का ले रहे हो फाउंडेशन बन जाएगा, लेकिन मेरे पास जो शेड है वो सॉर्ट ऑफ एक कलर करेक्टिंग शेड है, आई मीन द शेड टैफी, बहुत अच्छे से मेरी स्किन को कलर करेक्ट करता है। अगेन अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना अच्छे में तो आप ये ले सकते हो। अनदर कलर करेक्टर दैट आई वांट टू सजेस्ट यू इज फ्रॉम के ब्यूटी। ये वैसे कलर करेक्टर नहीं है, कंसीलर है, बट मैं ऐसे शेड एज अ कलर करेक्टर यूज कर लेती हूँ। सेम रेंज का के ब्यूटी का अपना कलर करेक्टर भी आता है, वो भी ले सकते हो। मैं डेफिनेटली अभी सेल पे सोच रही हूँ उसका ऑरेंज वाला करेक्टर ले लूँ, जब मैं आपको लूंगी तब बताऊंगी। बट इसके जो ये डीप वाली रेंज आती है ना, ये 195P डीप है, ये तो काफी डार्क है, इससे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ। लेकिन इससे एक शेड लाइट आता था, वो भी डीप रेंज का ही था, वो भी काफी अच्छा था कलर करेक्टिंग के लिए। अगेन जो के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाइड्रेटिंग है, नरिशिंग है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्रैक नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट के ब्यूटी, नेक्स्ट अप वी हैव फाउंडेशन। सो कलर करेक्टर मैंने आपको सारे बता दिए, फाउंडेशन में जो आपको शॉर्ट शॉर्ट दो रिकमेंड करना चाहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, मेबलिन का फिट मी, मेबलिन का सुपर स्टे, अब तो सुपर स्टे का एक और आ चुका है वर्जन, लेकिन हम वेडिंग पार्टी मेकअप की बात कर रहे हैं जो अच्छी फुल कवरेज आपको दे। सबसे पहला फुल कवरेज फाउंडेशन ऑफकोर्स मैक का स्टूडियो फिक्स, आई एम द शेड NC25। दिस इज द स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, मैंने इसका मिनी लिया हुआ है। सो अगर आप भी लेना चाहते हो मिनी ले लो, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मिनी से बहुत अच्छी आप
आपको लॉन्गिविटी मिल जाती है, ये आराम से आपका 3 से 4 महीने चलेगा अगर आप रेगुलर मेकअप करते हो। अगर आप बिल्कुल रेगुलर मेकअप नहीं करते फिर तो ये आपका साल भी निकाल लेगा। सो आपको अननेसेसरी बड़ी बॉटल लेने की जरूरत नहीं है। मिनी के साथ बस ये एक दिक्कत है, यहाँ पे पंप नहीं आता तो आपको ऐसे पोर करना पड़ता है, बट द फिनिश इज अमेजिंग। अगेन मेकअप आर्टिस्ट वाली जो फिनिश होती है ना मेकअप की, वो स्टूडियो फिक्स से ही आती है। मैं खुद भी अभी जब शादी का कोई पार्टी का मेकअप करती हूँ मैं स्टूडियो फिक्स यूज करती हूँ एंड इट फील्स अमेजिंग ऑन स्किन। अफोर्डेबल में फॉर ड्राई स्किन, लाइक अभी विंटर्स आ रहे हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो के ब्यूटी ही रिकमेंड करूंगी बिकॉज के ब्यूटी पर अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है। यह है के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, आई एम इन द शेड 125Y मीडियम। के ब्यूटी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके शेड रेंज अच्छी है। सबसे पहले 125 इज द नेम कोड, Y मीन्स येलो, तो इनके 3 आते हैं YPN, येलो अंडरटोन, पिंक अंडरटोन, न्यूट्रल। वो आपको अपनी यहाँ से नर्व से पता चल जाएगी, आपको गूगल पे चार्ट मिल जाएगा, आपकी नर्व्स का जो कलर होगा ना उससे आपको अंडरटोन पता चल जाएगी। तो एक बार आपको अपनी बॉडी के अंडरटोन पता है आप उस हिसाब से वो YPN वाला ले सकते हो। एंड देन दे हैव अनदर रेंज इन दैट मीडियम, लाइट, डीप। तो ये मीडियम रेंज का है, P means Y, येलो अंडरटोन का मीडियम रेंज का फाउंडेशन है, ब्यूटीफुली सूट होता है, कवरेज बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अभी जो वेदर आ रहा है ना मैं आई थिंक यही फाउंडेशन रेगुलरली यूज करने वाली हूँ। फॉर लूज पाउडर आई जस्ट वांट टू रिकमेंड वन लूज पाउडर बिकॉज मैं पर्सनली खुद ये यूज करती हूँ, इज द हुडा ब्यूटी लूज पाउडर इन द शेड शुगर कुकी। ये ट्रांसपेरेंट लूज पाउडर है, मतलब ट्रांसलूसेंट सॉरी, जो व्हाइट कलर का आता है, इसका अपना कोई शेड नहीं है, तो ये हर किसी को सूट करेगा। इट सेट्स योर मेकअप ब्यूटीफुली, जो भी अंडर आईज के फाइन लाइंस होती है उसको ब्यूटीफुली सेट करता है, बिल्कुल भी आपकी स्किन पैची पैची फील नहीं होती। अगर आपको भी बहुत ज्यादा पोर्स के इशू हैं, फाइन लाइंस आपकी मेकअप करने के बाद दिखती हैं, तो ये जरूर लेना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगेन अच्छे फुल कवरेज बेस के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसका अफोर्डेबल ड्यूप में से पूछोगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो वो है के ब्यूटी का। एक तो HD लूज पाउडर, वो भी काफी अच्छा है, अगेन के ब्यूटी पर डिस्काउंट भी अच्छा है। एंड सेकंड इज मेबलिन का फिट मी जो लूज पाउडर आता है, विच इज लाइक एंट्री लेवल, लाइक अगर आप बिगिनर हो मेकअप में, आप एक बेसिक लूज पाउडर लेना चाहते हो तो आप वो मेबलिन का फिट मी वाला ले सकते हो। लेकिन मेरा जो टॉप फेवरेट है वो है हुडा ब्यूटी। जो करंट फेवरेट ब्लशेस चल रहे हैं वो ये दो हैं। पाउडर ब्लश की अगर बात की जाए के ब्यूटी क्लियर विनर बिकॉज बहुत रेयर ब्रांड्स हैं ऐसी जो बिल्कुल प्रॉपर ब्लश बनाती हैं, उसके अंदर कोई हाईलाइटर नहीं है, कोई चंकी पार्टिकल नहीं है, दिस इज लाइक अ प्रॉपर ब्लश। आई एम इन द शेड सॉफ्ट न्यूड, बहुत प्यारा शेड है, दिस इज अल्ट्रा पिगमेंटेड। अगर आपने अपना ब्रश हल्का सा भी इसमें ज्यादा दबा दिया ना आपकी चीज पूरे ऐसे लाल हो जाएंगे बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं है पाउडर ब्लश है उड़ जाएगा आपकी स्किन से, जो प्रॉब्लम होती है पाउडर वाले ब्लशेज जो होते हैं वो उड़ जाते हैं या 2 घंटे बाद दिखाई भी नहीं देते, बट ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है। दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक एंड इट फील्स वेरी नाइस ऑन स्किन। नेक्स्ट ब्लश जो मैं कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ, आई थिंक 2 महीने होने वाले हैं मैं यही यूज कर रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगी। जब से मैंने ये यूज करना शुरू किया ना मेरे बाकी ब्लशेज बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, मैं यूज ही नहीं कर पाती। दिस इज नायका का गेट इट चीकी ब्लश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने इसकी प्रॉपर रील बनाई हुई है, इसमें 3 या 4 शेड्स मुझे ब्रांड ने दिए थे, मैंने वो सारे स्वॉच करके दिखाए हैं। सो अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो कि इसमें कौन सा शेड आपको सूट करेगा, मैं नीचे इस प्रोडक्ट लिंक के साथ उस रील का लिंक भी डाल दूंगी, आप वो रील देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा शेड मुझे लेना चाहिए। बट दिस वन इज वेरी नाइस, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लश। मैं जो शेड यूज करती हूँ वो है रोजी रश एंड इट इज ब्यूटिफुल। एवरीडे बेसिस पे भी जब मुझे ऐसी मेकअप करना होता है हल्का लगा लिया, ब्लेंड कर लिया, पार्टी मेकअप करना होता है थोड़ा सा ज्यादा लगाया, ब्लेंड कर लिया एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। मेरे शेड पे बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल फील होता है, वो पिंकी पिंकी रेड वाला ब्लश नहीं है, इट हैज अ वेरी नाइस वार्म अंडरटोन जो सुंदर लगती है मेरे शेड पे। आई एम मेबलिन 128, अगर आप कंफ्यूज हो मेरा जो शेड है मैक में वो NC25 है और मेबलिन में 128 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे शेड सूट करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव आई शेडोज। अगर मैं स्पेसिफिक आई शेडो रिकमेंड करने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव लॉट ऑफ आई शेडोज और इस टाइम तो सेल पे बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, सो आई रियली डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइज। सो मैं अफोर्डेबल में आपको सजेस्ट कर देती हूँ 2 आई शेडोज फ्रॉम स्विस ब्यूटी विच आर लाइक शॉर्ट शॉर्ट, सबको लेनी चाहिए बिकॉज बेसिक है लेकिन सबकी वैनिटी में होनी चाहिए। नंबर 1 इज स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो इन द शेड 06, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस आर वेरी नाइस ड्यूप ऑफ हुडा ब्यूटी आई शेडोज। हुडा के आई शेडो पैलेट आते हैं 2 या 3 हज़ार के, ये आती है अंडर ₹200-300 एंड दे वर्क इक्वली बेटर देन दोज। मैट शेड है, ब्यूटिफुली ग्लाइड होते हैं, आई एम श्योर ये आपने मेरी काफी रील्स में देखा होगा। इसका एक और शेड है मेरे पास विच इज मोर लाइक अ पार्टी शेड, सो अगर आप थोड़ा से वेस्टर्न वेयर के लिए देख रहे हो तो ये 06 काफी अच्छा है, बट अगर आप इंडियन वेयर के लिए कुछ देख रहे हो जिसमें हल्का सा लाइक ग्लिटरीनेस हो, थोड़ा सा आपको स्मोकी आइज करनी है जो लहंगे या जो सूट्स के साथ बेसिकली अच्छा लगता है, वो है ये शेड 03। सो दीज 2 शेड्स आर माई पर्सनल फेवरेट, 06 एंड 03, सुपर अफोर्डेबल और स्विस
ब्यूटी पे भी काफी अच्छी डील चल रही है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस यू विल गेट सम अमेजिंग फ्रीबीज. नेक्स्ट फेवरेट एंड अफोर्डेबल आई शेडो ब्रांड हैज टू बी मार्स. मार्स इज जस्ट किलिंग इट विद सम अमेजिंग न्यू लॉन्चेस. हर महीने आई थिंक एक नया लॉन्च आता है मार्स का, वो इक्वली अच्छा ही निकलता है. सबसे पहले बात करते हैं उनकी लेटेस्ट लॉन्च की, इसके मैंने रील भी शूट कर लिया. इन्होंने 4 शेड्स मुझे भेजे थे, वो रील आई थिंक इंस्टाग्राम पे जल्दी आने वाली है. बट उसमें स्पेसिफिकली जो मेरा फेवरेट है वो है ब्लूमिंग ऑर्चिड्स. सो ब्लूमिंग इनकी रेंज है जो इन्होंने अफोर्डेबल पैलेट्स ऐसे निकाले हैं, छोटे छोटे क्यूट से. इट हैज अ फुल साइज मिरर एज वेल, और ऐसे 6 कलर के छोटे छोटे पैलेट हैं. ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं, क्यूट भी हैं. जितना बड़ा पैलेट लोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, सो ऑलवेज बाय टाइनी पैलेट सो दैट आप इजिली कोई भी लुक क्रिएट कर सको. एंड द रीजन व्हाई आई लव दिस वन इज बिकॉज इसमें ब्लैक कलर का मैट शेड है, विच इज जस्ट परफेक्ट फॉर अ नाइस आई लाइनर इफेक्ट. आजकल मैं वो स्मोकी वाला लाइनर इफेक्ट करती हूँ, तो उसके लिए ब्लैक शेड चाहिए होता है. सो इस पैलेट में आपको ब्यूटीफुल वो ब्लैक शेड मिलता है, अगेन वेरी वेरी नाइस. इसके बाकी 3 शेड भी अच्छे हैं, उसका इमेज या फिर जो भी वीडियो होगी मैं आप इंसर्ट कर दूंगी, बट यू कैन वॉच दैट रील एज वेल अगर वो लाइव चली गई होगी तो. नेक्स्ट पैलेट इज अ मल्टीपर्पज पैलेट. सो मार्स से निकाले थे अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से पैलेट. दे हैव अ दिल्ली, दे हैव अ मुंबई पैलेट, दे हैव अ बैंगलोर पैलेट, एक और कोलकाता का भी इनके पास पैलेट है. सो मेरे पास दिल्ली वाला पैलेट है जो कुछ दिखता है इस तरह से, वेरी फंकी पैकेजिंग. बट ये खाली आई शेडो पैलेट नहीं है, इट हैज बेसिक आई शेडो बट इट हैज दीज कॉन्टोर ब्लशेज हाईलाइटर एज वेल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट हैज वेरी ब्यूटिफुल कलर्स एज वेल. मेरे पास ऐसे लाइक स्काई ब्लूइश कोई भी पैलेट में ऐसे कलर नहीं थे. पर्पल कलर चाहिए होता है कभी कभी किसी आउटफिट के साथ, तो इस वाले पैलेट में आपको मिलता है. सो अगर आपके भी आउटफिट कुछ इस तरह के कलर्स के हैं और इट रेजोनेट्स विद योर पर्सनालिटी ऑफ आई शेडोज, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दीज. एंड फाइनली द लास्ट पैलेट, जो कोई भी छोटे छोटे पैलेट नहीं लेना चाहता, जिसको सिंपल एक ब्रांड का पैलेट लेना है, द ब्रांड नेम इज मेकअप रेवोल्यूशन. खाली मैं ये पैलेट नहीं सजेस्ट कर रही, आई वुड जस्ट से गो टू मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो सेक्शन ऑन नायका. आपको 50% ऑफ में नायका की मेकअप रेवोल्यूशन की वाली पैलेट्स मिलने वाली है. एंड दे आर अ स्टील डील ड्यूरिंग दिस सेल. बड़ी बड़ी आती है, बहुत सारे शेड्स आते हैं. सो अगर आप एक सिंगल लेना चाहते हो जिसमें सारे शेड्स हों, डेफिनेटली रीच आउट टू मेकअप रेवोल्यूशन. क्वालिटी ऑफ द आई शेडो इज टॉप नॉच एंड ऑन 50% इट इज अ स्टील डील. आई हैव दिस वन विच इज फॉर एवर फ्लॉलेस. ये मेरा पर्सनल फेवरेट इंडियन वेडिंग आउटफिट का पैलेट है. सो अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर वेडिंग्स के हिसाब से कोई पैलेट देख रहे हो, ये पैलेट आप ले सकते हो. इट हैज ब्यूटिफुल शेड. एक तो फुल साइज मिरर तो आपको मिल ही रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव सम ब्यूटिफुल शेड. इसका प्रेस्ड शिमर जो शेड है वो भी काफी अच्छा है. इसके पिंकी शेड्स बहुत प्यारे हैं. इट हैज सम नाइस ब्राउन वार्म टोन शेड, पिंक कलर के जितने भी शेड्स हैं, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पैलेट जिससे आप इजिली कोई भी इंडियन वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हो. लिटरली ब्राइडल वाली आईज भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो. बहुत सुंदर है और ये भी आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ में मिल जाएगा नायका पे. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. हाइलाइटर्स में अगेन आई हैव 2 रिकमेंडेशन, वन इज फ्रॉम हाई एंड, वन इज फ्रॉम अफोर्डेबल. सबसे पहले अफोर्डेबल की बात करते हैं. दिस इज द स्विस ब्यूटी हाईलाइटर जिसका लिड मैंने तोड़ दिया है, बट आई स्टिल यूज इट बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल हाईलाइटर. आई एम इन द शेड 03. सो 03 इसका शेड नेम है. अगेन बहुत सुंदर है. इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो. मैं काफी बार इससे ही आई शेडो कर लेती हूँ बिकॉज इसके सिंगल सिंगल शेड्स भी आप एज अ आई शेडो यूज कर सकते हो. 2 शेड मिक्स करोगे ब्लश बन जाएगा, खाली ये वाला शेड यूज करोगे तो हाईलाइटर बन जाएगा. तो ये बहुत अच्छा मल्टीपर्पज पैलेट है. स्लाइटली चंकी फील होता है बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ा सा अफोर्डेबल है, इतना कोई फाइन वाला हाईलाइटर नहीं है, लेकिन वेडिंग पार्टी लुक के हिसाब से अच्छा लगता है. नेक्स्ट फ्रॉम हाई एंड कैटेगरी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं आई थिंक बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, नॉट रियली श्योर एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगता है. इंडियन वेडिंग लुक में मैं यही हाईलाइटर कैरी करती हूँ. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल हाईलाइटर. अगेन ब्राइडल कलेक्शन के लिए तो बहुत सुंदर है. इट गिव्स यू अ वेरी नाइस शिमरी इफेक्ट. लाइक लुक एट दिस. नाउ फॉर आईलाइनर एंड फॉर लिपस्टिक्स आई एम गोना डू माय इंस्टाग्राम रिकमेंडेशन बिकॉज बहुत सारे और ये वीडियो मुझे अननेसेसरी लंबी नहीं करनी. सो लिपस्टिक के और आईलाइनर के रिकमेंडेशन मेरे इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं. बट फाइनली कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज मेकअप सेटिंग स्प्रे. मैं कल एक इवेंट में गई थी और मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाना ही भूल गई थी. एंड देन आई रियलाइज्ड ओ माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक बिकॉज अगर आप फुल कवरेज मेकअप कर रहे हो और उसको सेट नहीं कर रहे ना, इट विल मेल्ट ऑफ, इट विल ट्रांसफर, इट विल लुक केकी. सो एक अच्छे सेटिंग स्प्रे में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. मैंने पर्सनली अफोर्डेबल भी ट्राई करे हैं. अफोर्डेबल में मुझे मार्स का ही पसंद आया जो रेड कलर का आता है, वो सबसे सस्ता और अच्छा है. बट उसके अलावा स्विस ब्यूटी, एल्फ, मैंने पता नहीं इतने सेटिंग स्प्रे यूज करे लेकिन वो बिल्कुल अच्छे ही निकले. सो मैं थोड़ा सा हाई एंड में आपको रिकमेंड करने वाली हूँ. दीज आर वेरी गुड. एंड ये लास्ट स्टेप होता है जो बिल्कुल गेम चेंजर होता है आपके मेकअप लुक के लिए. सबसे पहले है मैक का फिक्स प्लस. ये स्टे ओवर रेंज है, इनकी एक स्पेसिफिक रेंज आई है अभी स्टे ओवर वाली. सो ये अल्कोहल फ्री लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे है विच इज अगेन फिक्स प्लस. आप इसको एज अ बेस पे भी यूज कर सकते हो या फिर एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो. ये मैं स्पेशल इवेंट्स में यूज करती हूँ. इट मेक्स योर मेकअप वेरी नाइस ग्लॉसी ड्यूई एंड लॉन्ग
लास्टिंग. एंड माई सेकेंड फेवरेट हैज़ टू बी फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर स्प्रे. बहुत फाइन इसका मिस्ट है, बिल्कुल डिओड्रेंट जैसी इसकी पैकेजिंग है. काली इसकी स्मेल थोड़ी खराब है, इट फील्स लाइक थोड़ी सी वो फर्स्ट एड वाली इसकी फ्रेग्रेंस है, विच आई डोंट नो व्हाई ऐसी क्यों है, बट ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. इट सेट्स योर मेकअप रियली नाइसली एंड आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है. एंड विद दिस माई नायका रिकमेंडेशंस आर ओवर. मैंने लिटरली आपको स्टेप बाय स्टेप रिकमेंड किया जो मैं आजकल खुद पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप. इसके अलावा जो भी कैटेगरीज मैंने भी एक्सप्लोर नहीं करी हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी. मैं इंस्टाग्राम Q&A पे उसकी रिकमेंडेशन करूँगी. लिपस्टिक की मैं स्पेसिफिकली एक अलग रिकमेंडेशन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ लिपस्टिक्स दैट आई रिकमेंड, आई वॉन्ट टू रिकमेंड ऑन सेल, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी. एंड सो एज फॉर द लाइनर्स की भी स्पेसिफिक रील आपको इंस्टाग्राम पर मिलने वाली है. सो मेक श्योर फॉलो मी देयर. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर भी डाल दूंगी, नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे रिसेप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. द सेल इज लाइव राइट नाउ. जो आप ये वीडियो देख रहे हो सेल स्टार्ट हो चुकी है एंड डील्स बहुत जल्दी चली जाती हैं. स्पेसिफिक शेड्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं. मैं जो भी रिकमेंड करती हूँ शेड्स वैसे भी बहुत जल्दी बिक जाते हैं. सो मेक श्योर गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. जल्दी शॉप करो, लेट मी नो आपने क्या परचेज किया. कुछ और अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो जो अच्छी डील पर है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट करना. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.